हेलो फ्रेंड्स, ये है कस्टमर का यूएसबी बॉक्स जो इसमें आप पूरा खोल के लेके आइए मेरे पास। तो इसका वायरिंग भी पूरा टूटा हुआ है, तो इसको आप कैसे लगाओगे तो मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा बोल देता हूँ। ये देखिए कैपेसिटर, कैपेसिटर का ये हिस्सा माइनस है और ये हिस्सा कैपेसिटर का पॉजिटिव है, ये हिस्सा पॉजिटिव। और आईसी का पहला पिन भी गिरा है पॉजिटिव। तो आपका ये ट्रांसफार्मर का कनेक्शन, ये हो गया ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ये डायोड दिया हुआ है, ये डायोड का हिस्सा, ये ट्रांसफार्मर का कनेक्शन लगा हुआ है। और आपका स्पीकर कनेक्शन जोड़ना है, स्पीकर कनेक्शन, ये कैपेसिटर दिया हुआ है। तो एक कैपेसिटर का माइनस में स्पीकर कनेक्शन, ये माइनस का हिस्से में स्पीकर कनेक्शन होगा। और आपका ये हिस्सा जो ग्राउंड है तो इसके ये जोड़ देना है। पर ये पॉजिटिव का 5 वोल्ट रेगुलेटर जो मेमोरी बॉक्स के लिए होगा, यूएसबी किट का ये। और आप लोगों को और एक बार बताता हूँ, ये जो 5 वोल्ट का रेगुलेटर है तो ये हिस्सा आपका इसे सीधा पकड़ के लेना है आपको। सीधा पकड़ने के बाद अपर राइट साइड के वाला ये 5 वोल्ट आउटपुट कर रहा है और लेफ्ट साइड वाला आपका 12 वोल्ट इनपुट करता है और बीच वाला ग्राउंड है। तो आपको क्या करना है, इसको मैं पहले स्पीकर कनेक्शन जोड़ लेता हूँ इसका। ये एक ये पिन जो है ये ग्राउंड में लगा हुआ है, स्पीकर में जोड़ दिया एक। और ये एक इसका जो माइनस पॉइंट है इस कंडेंसर का, तो इसको मैंने जोड़ना है स्पीकर में। ये मैं जोड़ दिया। अभी ये पर एक ट्रैक टूटा हुआ है जो 12 वोल्ट का सप्लाई ये पर इनपुट होगा, तो ट्रैक भी मुझे जोड़ना पड़ेगा अभी। तो ये टूटा नहीं होगा क्योंकि ये आईसी शायद ख़राब है, इसीलिए आपका इसके ट्रैक टूट गया। तो इसका पावर देख देख तो एक बार इसका 12 वोल्ट सप्लाई चेक कर रहा हूँ। तो देखिए 5 वोल्ट दिखा रहे हैं और ये 12 वोल्ट से 18 वोल्ट आ रहा है, कुछ नहीं तो ये चलेगा। तो ये आईसी भी खराब है, जोड़ियो नहीं आ रहे हैं। तो इसके तरह आप ये आईसी भी बदल सकते हैं या दूसरा सर्किट भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो मैं दूसरा सर्किट जोड़ के दिखाऊंगा इस पर। तो दोस्तों देखिए, ये मैंने दूसरा सर्किट इसका लेके आ गया। तो इसके सर्किट इस तरह के से आता है। ये तो मुझे पहले जोड़ना है ये दोनों
जो डायोड दिखाई दे रहा है मुझे, तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर का कनेक्शन देना है और आपका यहाँ पर ये सप्लाई लगा हुआ है 12 वोल्ट का, और स्पीकर का कनेक्शन यह देना है, एक इसका ये इस साइड में स्पीकर कनेक्शन देना है और एक स्पीकर कनेक्शन देना है ये ग्राउंड में। तो आपको देखिए लगा के दिखाता हूँ। तो ये है यूएसबी बोर्ड है, जो ये येलो वाला मैंने दिया 5 वोल्ट में और ये ब्लू वाला दिया मैंने ग्राउंड में, ठीक है दोस्तों। और मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, देखिए यूएसबी किट में ये रेगुलेटर से 5 वोल्ट आउट करेगा और ग्राउंड में यहाँ से दे दूँगा बीच में। तो ये पहले 5 वोल्ट जोड़ दिया मैं, अब ये ग्राउंड है तो ग्राउंड के साथ मैंने ये अटैच कर दूँगा दोस्तों। तो ये देखिए इसका बल्ब जल गया, ये ग्लो गया, तो अभी मेरा काम बाकी रह गया अलग ऑडियो का, ठीक है दोस्तों। तो ये तो ऑडियो के लिए मुझे ये चाहिए, ऑडियो का जो कनेक्शन है ये वॉल्यूम का बीच में जोड़ना है, ये बीच में मैं जोड़ दिया। और एक नेगेटिव चाहिए मुझे, नेगेटिव नहीं देंगे तो उसके साइड में आपका प्रॉब्लम आएगा क्योंकि वो साउंड क्लियर नहीं आएगा, तो ग्राउंड जरूर देना पड़ेगा। इस बीच में से दे रहा हूँ, तो ये ग्राउंड मैंने इसमें जोड़ दिया और एक वॉल्यूम में ग्राउंड देना पड़ेगा, वॉल्यूम में जोड़ दिया नेगेटिव में। तो आपका ये हो गया यूएसबी सर्किट का पॉइंट, तो मैंने इसको यहाँ पर जोड़ देता हूँ ऑडियो आरएल, तो देख लेना है इन और आउट कौन सा है। ये हो गया इन का और ये आउट का, तो मुझे आउट में जोड़ना है।